हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निलांजन, आप देख रहे हैं इन्फोनील हेल्थ एंड फिटनेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वाट्स के बारे में, मतलब कि स्क्वाट्स एक्सरसाइज के बारे में, और जानेंगे कि स्क्वाट्स एक्सरसाइज क्या है, कौन कौन से मसल इसे टारगेट किए जाते हैं, स्क्वाट्स करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ही ईजिली स्क्वाट्स एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्वाट्स जो कि एक बहुत ही पॉपुलर लोअर बॉडी एक्सरसाइज है, और इसे करने से रेगुलरली मेनली चार मसल आपके बहुत ज़्यादा टारगेट होते हैं। फर्स्ट है आपके ग्लूट्स यानी कि आपके हिप्स के मसल, सेकेंड है आपके क्वाड्रिसेप्स जो कि है फ्रंट ऑफ द थाइस, थर्ड है हैमस्ट्रिंग जो कि है बैक ऑफ द थाइस, और फोर्थ होता है काफ मसल। ये चारों मसल बहुत ही अच्छी तरह से टारगेट होते हैं रेगुलरली स्क्वाट्स करने से। रेगुलर स्क्वाट्स करने से सिर्फ आपका लोअर बॉडी ही नहीं बल्कि आपके पूरे बॉडी का ओवरऑल मसल बिल्डअप होता है, साथ ही साथ आपके बॉडी का बैलेंस अच्छा बना रहता है। अब क्योंकि स्क्वाट्स में आपका कोर मसल यानी कि आपका पेट भी इन्वॉल्व होता है, तो इसके कारण से आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ही इजीली जो है वो स्क्वाट्स एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो स्क्वाट्स एक्सरसाइज करना बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। स्क्वाट्स एक्सरसाइज करने के लिए आपको जिस तरह से आप एक स्टूल या चेयर पर बैठते हो उसी पोजीशन में स्क्वाट्स एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पर डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपका कोई स्टूल या चेयर नहीं होता है, आपको सिर्फ एयर पे उसी पोजीशन में बैठना पड़ता है। तो नॉर्मली अपने हाथों को सीधा रखिए या अपने हाथों को फोल्ड करके रखिए, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल हो, और आप धीरे से चेयर पे या स्टूल पे बैठने की कोशिश कीजिए, पर ये एयर में रहेगा, जिससे कि आपके थाई मसल्स, आपके ग्लूट्स, आपके काफ पे प्रेशर पड़ता है, और इस प्रेशर पड़ने के कारण से ही ये मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये मसल्स धीरे धीरे हार्ड होते हैं, और यही है जो है ये स्ट्रॉन्ग बनाता है उन्हें मसल्स को। और इसी पोजीशन में आप हर सेट में कम से कम 10 से 12 स्क्वाट्स कीजिए, और टोटल दिन में कम से कम 3 रेप कीजिए, और हर अल्टरनेट डे पे आप स्क्वाट्स कीजिए। आप देखिएगा हार्डली एक महीने में आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। आपके जो थाई मसल्स हैं, आपके जो हिप मसल्स हैं, काफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा फैट है तो वो फैट भी मेल्ट हो जाता है, क्योंकि स्क्वाट्स करने से आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है वो कैलोरी बर्न भी होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए, धन्यवाद।